हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। गार्डनिंग के लिए तो हम कई पौधे खरीद कर लाते हैं या ग्रो करते हैं, लेकिन क्या हम इन पौधों से कमर्शियली कुछ प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, ऐसे कई पौधे हैं जो कमर्शियली ग्रो कर सकते हैं और वो भी अपने गार्डन में। तो आज हम ऐसे ही कमर्शियली ग्रोन एंथूरियम पौधे के बारे में जानेंगे। एंथूरियम एक ऑर्नामेंटल पौधा है और इसे ग्रो किया जाता है इसके कलरफुल और लंबे चलने वाले इसके फूल और बहुत ही आकर्षक पत्तों के लिए। एंथूरियम को उसके कट फ्लावर के लिए पूरी दुनिया में उगाया जाता है। एंथूरियम नेटिव है सेंट्रल और साउथ अमेरिका का और इनके 700 से भी अधिक स्पीशीज पाई जाती है। एंथूरियम की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ सालों में और अब ये महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट फसल बन चुकी है। हमारे यहाँ भारत में ये एंथूरियम फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री अभी शुरुआती दौर में ही है। एंथूरियम एक इंडोर पौधा है, इन्हें फ्लेमिंगो फ्लावर भी कहते हैं। एंथूरियम के क्लाइमेट के बारे में जान लेते हैं। एंथूरियम एक ट्रॉपिकल पौधा है, इसलिए इसे ह्यूमिड वातावरण की जरूरत पड़ती है। इन्हें हम अपने घरों में, बाथरूम, किचन या बालकनी में सिर्फ अपने लिए ग्रो करना हो तो कर सकते हैं, या कमर्शियली ग्रो करना हो तो टेरेस पर जहां छाव हो ऐसी जगह रख सकते हैं। एंथूरियम को ग्रो करने के लिए 27 से 30 डिग्री सेल्सियस दिन में चाहिए होता है और रात का टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यानी कि 14 से 35 डिग्री का टेम्परेचर होना ज़रूरी है। एंथूरियम को वहाँ लगाना अवॉइड करें जहाँ टेम्परेचर 14 से कम और 35 से ज़्यादा हो। कोस्टल एरियाज़ के टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट सूटेड है और ये समय यानी कि बारिश ख़त्म हो जाती है और फॉल शुरू हो जाते हैं, ये समय बेस्ट सूटेड है इनको ग्रो करने के लिए। एंथूरियम के फ्लावर 1.5 से 2 महीने तक खूब चलते हैं, यानी इनकी लंबी वास लाइफ है, इसलिए ये कट फ्लावर के रूप में बहुत ही प्रचलित है। इसके लिए सॉइल मिक्स कौन सी ले? तो एंथूरियम को ग्रोइंग मीडिया ऐसा हो जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर हो, उसमें खूब हवा खेलती हुई हो यानी अच्छी एरिएशन वाली हो और पानी को होल्ड करने वाली हो। तो ऐसे रिक्वायरमेंट के लिए कोकोनट हस्क और कोकोनट कॉर पीथ जो कि अच्छा डिकम्पोज हो और अच्छे से धोया हुआ हो जिससे कि इसमें जो भी सॉल्ट्स है वो सब निकल जाए, दोनों को समान मात्रा में लेना है और उसमें फंगिसाइड मिक्स कर सकते हैं। इन्हें हम पॉट या कंटेनर में लगा सकते हैं। कंटेनर को जनरली एक ही होल करते हैं, लेकिन एंथूरियम जिसमें हम प्लांट करेंगे उसमें 8 से 10 होल होना चाहिए, मतलब इन्हें एक्सट्रीमली ड्रेन्ड होने वाली मिट्टी चाहिए। उसमें हम एक पार्ट ड्राई लीव्स डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई लीव्स अच्छे से डिकम्पोज होनी चाहिए, और एक पार्ट कोकोनट हस्क का, एक पार्ट चारकोल ऐड कर सकते हैं। चारकोल नहीं मिला तो सैंड भी मिला सकते हैं, साथ में गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट मिला सकते हैं और फंगीसाइड कोई सा भी मिक्स कर सकते हैं। नीम पाउडर एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फंगीसाइड साबित होता है, तो नीम पाउडर को हम 2 से 3 टीस्पून डाल सकते हैं, क्योंकि ये पौधे पेस्ट को बहुत ही ससेप्टिबल होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंथूरियम की कई वेराइटीज आती हैं और रंग भी बेहद खूबसूरत आते हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, वाइट, पिंक, येलो, ब्लैक और बाई कलर्स में भी। इन सब में लाल रंग सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। एंथूरियम के एक्चुअली फूल नहीं होते हैं जिस तरह और पौधों के होते हैं। इनमें स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीव्स और उसमें एक स्पैडिक्स आता है और इनके कट फ्लावर को बेचा जाता है। वेलवेट कार्डबोर्ड स्पीशीज बहुत ही ज़्यादा उगाई जाती हैं। एंथूरियम फंगस ससेप्टिबल होते हैं, तो इसमें फंगीसाइड डालना बहुत ज़रूरी है। इनमें ऑर्गेनिक फंगीसाइड ही डालें, केमिकल फंगीसाइड यूज करने से एंथूरियम के फ्लावर की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। 8 दिन में ही एंथूरियम खराब होने लगता है। एंथूरियम के स्पैडिक्स में बीजें होती हैं,
इन बीजों से भी एंथूरियम को उगाया जा सकता है। नर्सरी में बीजों से उगाते हैं या टिश्यू कल्चर से भी उगाया जाता है। ऑनलाइन जो एंथूरियम मिलते हैं वो भी टिश्यू कल्चर से ही बनाए जाते हैं, लेकिन टिश्यू कल्चर से मिले पौधों का हम फिर से प्रोपगेशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक बार सीजन खत्म हो जाए हमें नया पौधा फिर से बनाना पड़ता है। एंथूरियम में जो स्पैडिक्स होते हैं इनमें छोटे छोटे दाने होते हैं, अगर इन्हें ऐसे ही 3 महीने तक छोड़ा जाए तो इन दानों में नई ग्रोथ दिखाई देती है। इस प्रोसेस को सेक्सुअल प्रोडक्शन कहते हैं और ये नेचुरली होती है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, तो इस ग्रोथ को हम अलग करके गोबर खाद और मिट्टी में इसे लगा सकते हैं ताकि पौधों को नाइट्रोजन का सोर्स मिलता रहे और बीज से भी इसे ग्रो किया जाता है, लेकिन इसे ग्रो होने में 3 महीने लगते हैं। नर्सरी से अगर हम पौधा खरीद कर लाते हैं तो उसमें जो रूट्स होते हैं उसे मिट्टी से सेपरेट करके काट देना चाहिए। एंथूरियम एक शेड लविंग पौधा है तो इन्हें ब्राइट लाइट की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, सनलाइट में ये ज़्यादा दिन ग्रो नहीं कर सकते हैं। पानी इसमें हमें कम ही देना है, मिट्टी बस टच में मॉइस्ट लगनी चाहिए पर हाथ पर चिपकनी नहीं चाहिए, इतना ही पानी इसमें हमें देना है। और जैसे जैसे पौधा एस्टेब्लिश होता है उसमें पानी कम करते जाना है। एंथूरियम पर फ्लावरिंग 3 महीने के बाद होने लगती है। एंथूरियम जब फ्लावरिंग पर आने लगे तब इसमें गोमूत्र स्प्रे कर सकते हैं हर 8 दिन में। एक मग पानी में आप 5 ml गोमूत्र डालकर स्प्रे कर सकते हैं ग्रोइंग सीजन में। इनके ग्रोइंग सीजन में नाइट्रोजन युक्त खाद हर 8 दिन में देना चाहिए। एंथूरियम को ब्राइट लाइट की ज़रूरत है, यानी ये एक अच्छा इंडोर प्लांट है। इनकी रूट्स को काफ़ी एरिएशन लगता है तो इनमें गुड़ाई बहुत फ्रिक्वेंटली करनी पड़ती है। एंथूरियम के एक पौधे से हम 10 पौधे बना सकते हैं और इन 10 पौधों से और भी आगे बना सकते हैं, और वो सेल करना ये भी एक अच्छा बिजनेस है। इन्हें बीजों से ग्रो करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, लेकिन इन्हें हम स्टेम सहित लीव से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसे हम डायरेक्ट कल्टीवेशन मीडियम में लगा सकते हैं। इनमें पेस्ट कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। एंथूरियम के पौधों को जितना अच्छा न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, प्रॉपर वाटरिंग और प्रॉपर लाइट देंगे उतने ही अच्छे से ये खिलेंगे, लेकिन इन पर पेस्ट फंगस का अटैक होता है। इन्हें भगाने के लिए धूप अगरबत्ती का धुआं कर सकते हैं, ये तभी करना है जब पेस्ट या कीड़ों का उन पर अटैक हो। काफ़ी रिसर्च से पता चला है कि एंथूरियम के पौधे डिप्रेशन, उदासीनता, एंजाइटी को भगाने में काफ़ी मदद करते हैं। इनके सहवास में रहने से बहुत ही अच्छा लगता है, इस कारण से भी एंथूरियम को हम गार्डन में कल्टीवेट कर सकते हैं। ऑनलाइन इसकी कीमत 200 से 2000 तक है, जो कि इसकी वैरायटी और साइज पर इसके हम पौधे बनाकर भी सेल कर सकते हैं और इसके फ्लावर्स की भी बहुत डिमांड है, तो इसे कट फ्लावर के रूप में भी सेल कर सकते हैं। तो इस तरह हम एंथूरियम को कल्टीवेट कर कमर्शियली भी ग्रो कर सकते हैं। आशा है आपको जानकारी पसंद आएगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।